हेलो एवरीवन अ वेरी वोम वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू स्वा एजुकेशन माई सेल्फ राधा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन एंड दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर एफ एस सो लेट्स स्टार्ट विद आर लेक्चर सो हम लोगों ने ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिया है आज हम लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है ये डिस्कस करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोमीन्स स्मॉल बायोलॉजी मीन्स जो बहुत स्मॉल होते हैं साइज में उन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी में सो फूड माइक्रो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो बायोलॉजी दैट स्टडीज़ अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द स्पॉइलेज़ ऑफ फूड यानी फूड माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो फूड स्पॉइलेज में इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाय फूड नेक्स्ट वन

माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको हम लोग देख सकते हैं लेकिन जिस तरीके से कोई लिविंग क्रिएचर जो होता है उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वेस्ट प्रोडक्ट को वो एलिमिनेट करता है ग्रो करता है इन द सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है दे एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट एंड ग्रो वी कैन नॉट सी देम विद अनएडेड आई मीन्स हम लोग नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न इलनेस लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड स्पॉइलेज और फूड से होने वाली इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे कैन बी सी अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर दे आर मैग्नीफाइड मैग्निफाइड यानी मैग्निफिकेशन के बाद हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर उनको देख सकते हैं जिन जिससे क्या हो सकता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से लार्ज व्यू में हम लोग उनको विजुअलाइज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूबिक्यूटस यूबिक्यूटस मींस हर जगह पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन एयर सोइल वॉटर ऑल सरफेस फूड एंड इन लिविंग बींग एयर में सोइल में वॉटर में लिविंग बींग्स में हर जगह वो पाए जाते हैं देर आर फाइव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इम्पोर्टेंट इन फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड दीज आर वायरस बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट एंड एल्गे

जो जब लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तभी ग्रो कर सकता है दे फीड ऑन लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड आर पैथोजेनिक दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज अप्रोक्सीमेटली वन टेन टू वन हंड्रेड साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड कैन सी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम लोग इसको देख सकते हैं अगर आप लोगों ने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टैम और सेम के बारे में सुना हो तो उसकी हेल्प से हम लोग वायरस की स्टडी कर सकते हैं दे वेरी साइज फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू माइक्रोमीटर सम कॉमन फूड बोर्न वायरस आर हिपेटाइटिस पोलियोमाइलिटिस इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड मॉम्स एंड चिकनपोक्स ये कुछ कॉमन डिजीज हैं फूड बोर्न इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यूनि सिंगल सेल से मिलके बना हुआ होगा ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड एक्टिविटी दे आर साइज वेरी फ्रॉम जीरो पॉइंट टू माइक्रोमीटर टू टेन माइक्रोमीटर एंड इज वन माइक्रोमीटर ऑन एन एवरेज

दिस वन इज ग्लाइको कैलिक्स ये ग्लाइको कैलिक्स का लेयर है दिस वन सो अ कोटिंग और लेयर ऑफ मोलिक्यूल एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, ये जो ये पूरा कंप्लीट सेल है तो सेल वॉल का जो एक्सटर्नल लेयर है ये वाला जो लेयर है इसको बोल देते हैं हम लोग ग्लाइको कैलिक्स जो एक्सटर्नल लेयर है ये कैसे काम करता है ये जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्गनलिज वगैरह के बारे में बताया गया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो ग्लाइकोकैलिक्स क्या फंक्शन करेगा सर प्रोटेक्टिव एडहेसिव एंड रिसेप्टर फंक्शन सेकेंड बैक्टीरियल क्रोमोजोम और न्यूक्लियोइड सो दिस वन इज न्यूक्लियोइड क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता सो द साइट वेयर द लार्ज डीएनए मोलिक्यूल इज कंडेंस्ड इन टू अ पॉकेट So, ये हेरिडिटी जेनेटिक मटेरियल के जैसा काम करेगा पाइलस इलोंगेट होलो एपेंडेज यूज इन ट्रांसफर ऑफ डी एन अदर सेल एंड इन सेल तो एक सेल जो बैक्टीरियल सेल है अगर वो किसी दूसरे सेल से अगर ट्रांसफर करना हो जेनेटिक मटेरियल का तो so ये यहां पर यूज होता है मीसोजोम मीसोजोम क्या होगा फॉर एग्जाम्पल ये सेल मॉम्रेन है और सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके की फोल्डिंग देखने को मिलती है इसको हम लोग बोल देते हैं मेसोजोम सो एन एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट फोल्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड इनकी सरफेस एरिया मोस्टली रेस्पिरेशन पर्पस के लिए होती है इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दैट पाइल इज यूज्ड फॉर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर मेसोजोम इज यूज्ड फॉर रेस्पाइरेशन परपज ग्लाइको कैलिज यूज सर्वेज प्रोटेक्टिव एंड रिसेप्टर फंक्शन फ्लैजिलम क्या काम करेगा फ्लैजिलम मूवमेंट के लिए काम करेगा नेक्स्ट वन फिम्बरे फिम्बरे क्या होता है होगा, ये पर करेगी ध्यान रखना कि फिम्बरे और पिलई दोनों ही अडेसन का काम फिम्बरे का काम करेगी पिलई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम करेगी और फ्लैजिलम मूवमेंट का काम करेगी सो so, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है फ्लैजिलम और फेम्बरे के बीच में सो so, फ्लैजी लम काम करती है मोटेलिटी का इसे क्वेश्चन भी पूछा गया है नेक्स्ट वन आता है इंक्लूजन बॉडी इंक्लूजन बॉडी क्या करते हैं स्टोरेज का काम करते हैं फूड को सेल वोल क्या होगा सेल वोल एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेगी सेल मेम्ब्रेन क्या होगी सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से मिल बनी हुई एक कवरिंग होगी जो कि साइटोप्लाज्म के अराउंड होती है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं एज अ बैरियर बीच में काम करती है राइबोसोम क्या काम करेंगे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे नेक्स्ट वन सो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिखाया गया है वायरस का सो so, वायरस में ये जो यहां पर ये एक्सटर्नल जो कवरिंग दिखाई गई है इसको बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन क्या होता है कैप्सिड प्रोटीन और इसके अंदर क्या है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ भी हो सकता है और ये जो आउटर कवरिंग है इसको बोल देते हैं हम लोग एनवेलप दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस फंगस में क्या दिखाया गया है यहाँ पर यहाँ पर ये स्पोरेंजियम दिखाए गए हैं जिनके अंदर से स्पोर रिलीज हो रहे हैं और ये क्या है ये है राइजोइड राइजोइड क्या है जो कि जो सोइल यहां पर प्रेजेंट होगी यहां से न्यूट्रिय एब्जॉर्ब करेगा सो एंकर द फंगस ऑन सबस्ट्रेट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिय और ये क्या है ये है हाइफे हाइफे क्या होगा लॉन्ग फिलेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म टूगेदर इज नेटवर्क कोल्ड माइसीलियम सो यहां पर यह स्ट्रक्चर बताया गया है फंगस का नेक्स्ट वन ये बैक्टीरिया के बारे में है राउंड बैक्टीरिया कोकाई पेयर ऑफ कोकाई आर कोल्ड डिप्लो कोकस अगर पेयर में प्रेजेंट है चेन ऑफ कोकाई आर कोल्ड स्टेफाइलो कोकाई सो इस तरीके से यहाँ पर ये स्पाइरल शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं कोमा शेप में पाए जाते हैं यहाँ पे ये बताया गया है नेक्स्ट वन फंगस

या फिर एल्कोहल या इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर ये यह काम करती है यीस्ट नेक्स्ट वन पैरासाइट पैरासाइट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग होस्ट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यानी कि पैरासाइट को किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी पैरासाइट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सिंगल सेल्ड एनिमल एज इन केस ऑफ प्रोटोजोआ जो भी पैरासाइट है पैरासाइट को एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी और इस होस्ट से वो न्यूट्रिय लेगा और तब वो ग्रो करेगा एलगे एलगे जो है वो यूनिसेल्युलर और मल्टी दोनों फॉर्म में पाई जाती है दे कंटेन क्लोरोफिल क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं ये फोटो करेंगे और ऑटोट्रोफिंग होंगे खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं दे आर generally नॉन पैथोजन ऑल दो सम have हैव odor and एंड एलिमी टेक्स्चर यूनिसेलुलर एलगे आर ऑफ in इन purification प्योरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट में यूनिसेलुलर algae हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट वन फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं पहले पॉइंट में बताया गया है न्यूट्रिएंट्स। सेकंड पॉइंट में बताया गया है टेम्परेचर के बेस पे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साइकोफाइल होते हैं कुछ मीजोफिलिक होते हैं कुछ थर्मोफिलिक होते हैं यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मीडियम टेम्परेचर यानी मीजोफिलिक टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो थर्मोफिलिक यानी एक्स्ट्रा हो टेम्परेचर फिर ही ग्रो करेंगे सो so, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है नेक्स्ट वन टाइम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड टू ग्रो टू नंबर लार्ज इनफ टू हार्म व्हेन द हार्मेंट इज फेवरेबल इन टर्म ऑफ टेम्परेचर दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे आर इन लार्ज इनफ टू कॉज और इलनेस फूड विच इज कंज्यूम एट सून एज इट इट हैज लेस चांस ऑफ फूड बोर्न इलनेस यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायरमेंट होगी ग्रो करने के लिए पीएच पीएच एच की रिक्वायरमेंट होगी ऑप्टिमम पीएच पे ही ग्रो कर पाएंगे एंड ऑक्सीजन जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर पाएंगे और अन इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट वन इज जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बच जाएंगे उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन करेंगे आप सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड सो इनमें से जो एस्परजिलस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड सो लेट सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एस्परजिलस प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस जो एस्परजिलस होता है वो क्या करता है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा स्ट्रेप्टोकोकस क्या करेगा स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड यहां पर क्या बताया गया है एस्परजिलस, ये क्या करेगा सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एसिड का करेगा एसिटोबैक्टर किसका करेगा एसिटिक एसिड का करेगा स्ट्रेप्टोमाइसिस किसका करेगा एंटीबायोटिक्स का करेगा सो so, इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड फाउंड इन राइस फील्ड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला सो द एनाबीना एजोला हैज द एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन टू प्लांट यानी कि जो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाते उसको यूज नहीं कर पाते फ्री फॉर्म में वो क्या करते हैं वो इसको फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम देन नाइट्रेट एंड नाइट्रेट पूरा एक प्रोसेस होता है सो फ्री फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते हैं सो so, उसको फिक्स करने के लिए फ्री फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते उसको फिक्स करने के लिए ऐना बीना काम करता है दे हैव द नाइट्रोजन इंजाम फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्योंकि इसके पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज इंजाम ये प्रेजेंट होते हैं इट इज द ब्लू ग्रीन एल गे विच इज कॉल्ड साइनो बैक्टीरियम एंड इज फ्री लिविंग दिस बैक्टीरिया लिव इन द कैविटी ऑफ एजोला प्लांट सो ये जो एनाबीना बैक्टीरिया कहाँ रहता है एजोला प्लांट की कैविटी में दे हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एजोला कैसे रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी दोनों एक दूसरे को फायदा करेंगे So, क्या हो जाएगा इसका विच ऑफ द फॉलोविंग ऑर्गेनिज्मिक्सिंग एंड फाउंड इन राइस फील्ड इन सिम्बायोटिको दिस नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग इज यूज एज अटिलाइजर फॉर सोयाबीन क्रोप इनमें से कौन सा एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करेगा फॉर सोयाबीन क्रोप सो राइजोबियम क्या होता है राइजोबियम एनाबीना ये क्या होते हैं मो एंड फ्रेंकिया ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करेंगे एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करेंगे जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और प्लांट की हेल्प करेंगे सो नोस्टोक हो गया एजोटोबैक्टर तो हो गया एजोस्पीरिलियम होनाबेना बैक्टीरिया फ्रेंकियाजोबैक्टर एंड एजोस्पिर अमन बायोपेस्टिड फॉर प्रिवेंटिंग प्लांट फ्रॉम बटरफ्लाई कैटरपिलर इज कौन सा होगा बेसिलस थोरन जेनेसिस होता है जो प्रिवेंट करेगा प्लांट को फ्रॉम बटरफ्लाई कैटरपिलर जिकल कंट्रोल यूज अगेंस्ट लेपिडोपटेर कोलियोपटेरन एंड डिपटेरन सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेसिलस थोरनजेनेसिस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ यसके प्रोडक्शन में यूज होते हैं इथेनोल के प्रोडक्शन में बेकरी वगैरह में यूज की जाएगी नेक्स्ट वन विच कैन बी यूज एज फूड फॉर द ह्यूमन बींग कौन सी एलगे यूज होगी कोलेरा सो यस्ट के बारे में क्या हो जाएगा यूस्ट इज सिंगल सेल फंगस क्योंकि फंगस के अंदर हम लोगों ने देखा येस्ट और मोल्ड आते हैं द कॉमनली यूज स्पीसीज ऑफ यूस्ट इज सेक्रोमाइसिस जो की बेकर भी कहलाती है दिस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट लाइक केक, ब्रेड एंड एल्कोहल बनाने के लिए यूज की जाएगी और ऑर्गेनिज्म जो, जो कन्वर्ट करेगा को ethanol, से जो है वो तो ब्रेड और केक वगैरह का डो बनाने के लिए काम करेगी और इथेनॉल का बाय प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन वो भी देखने को मिलेगा और कोलेरा क्या होता है कोलेरा इज अ जीनस ऑफ सिंगल सेल ग्रीन एलगे बिलोंगिंग टू फाइलम क्लोरोफाइटा कोलेरा जो है ये सिंगल सेल ग्रीन है 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 एक होती है जो क्लोरोफाइटा से बिलोंग करती कोलेरा कंटेन ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी कोलेरा क्या करती है कोलेरा के पास में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा

नेक्स्ट विच ऑफ द फोलोविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट यूज एज बायो फर्टिलाइजर सो एग्रो बैक्टीरियम यूज नहीं किया जाएगा अगर आपने देखा होगा एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशम राइजोबियम मोस्टली कहां पर काम करते हैं ये ये क्राउन गोल्ड डिसीज यहां पर ट्यूमर कोज करने के लिए मेनली देखने को मिलते हैं ये सो बायो फर्टिलाइजर के जैसा नॉट यूज एज बायो फर्टिलाइजर इज एग्रो बैक्टीरियम

जो so, स्प्रिलिना है वो सिंगल सेल प्रोटीन होता है राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन फिक्सेशन के जैसा काम कर सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम कर सकता है तो इनकरेक्टली मेस्ड हो जाएगा सेरेटिया ड्रग एडिक्शन ट्राइकोडर्मा हार्जीनियम इज यूजफुल फॉर सो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगस दैट आर वेरी कॉमन इन रूट एंड इफेक्टिवली बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन सो क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोन प्लांट पैथोजन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो सेक्रोमाइजेज सैरेवेश या यीस्ट यूज की जाती है सो थैंक यू सो मच एवरी वन इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनफिशियल फॉर यू प्लीज डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज थैंक यू सो मच